अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 22। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट पे पॉइंट क्या होता है, किस तरह इंसर्ट होता है और इसमें और कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं। आज के इस लेसन में हमें देखना है पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है, पॉइंट क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट पॉइंट इन ऑब्जेक्ट, पर्पज ऑफ पॉइंट, हाउ टू चेंज पॉइंट स्टाइल, हाउ टू डिवाइड द पॉइंट, हाउ टू मेजर द पॉइंट एंड पर्पज ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल पॉइंट्स। तो आज के इस लेसन में हम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। तो आज के इस लेसन में हम पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ बार में देखें तो कहीं है, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे पॉइंट की जगह डिवाइड का ऑप्शन भी है और मेजर का ऑप्शन है, लेकिन पॉइंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मल्टीपल पॉइंट का ऑप्शन है, सिंपल पॉइंट का नहीं है। तो पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट होता है आपका, आप ड्रॉ में भी जाएं, ड्रॉ में भी आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं ये पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड और मेजर। सिंगल पॉइंट पे क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे आपके पास पॉइंट एक इंसर्ट हो गया है। तो ये सिर्फ एक बार ही इंसर्ट होता है पॉइंट। पॉइंट की जो शॉर्ट कमांड है वो है पी ओ एंटर, सेलेक्ट करें इस पॉइंट को, मैं इसको डिलीट करता हूँ। पॉइंट की जो शॉर्ट कमांड है वो है पी ओ एंटर, और ये मल्टीपल पॉइंट के लिए हमारे पास यूज नहीं होती, सिर्फ सिंगल पॉइंट के लिए यूज होगी। मल्टीपल पॉइंट के लिए आप अगर यूज करो तो आप यहाँ पे जाओ ड्रॉ में जाके, तो आपने यहाँ से मल्टीपल पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आप देते जाए तो ये देखिए मल्टीपल पॉइंट आपका इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये तो आ गई जी पॉइंट। अभी जो पॉइंट है इन ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पे नजर सही नहीं आ रहे होंगे, तो इन पॉइंट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। तो पॉइंट का स्टाइल चेंज करने के लिए आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट जाने के बाद पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे काफी सारे पॉइंट के स्टाइल नजर आ रहे होंगे, आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है स्टाइल आप वाला स्टाइल पे अप्लाई कर दो। तो मुझे ये वाला स्टाइल सही लगता है तो मैं ये अप्लाई करता हूँ, तो ओके करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें तो आपको सारे के सारे पॉइंट नजर आ रहे होंगे, उनका स्टाइल भी चेंज हो गया। अब मैं इंटर करता हूँ पी ओ एंटर करता हूँ पॉइंट के लिए पी ओ एंटर, देखें एक ही पॉइंट इंसर्ट हुआ और उसका स्टाइल भी चेंज हो गया। ज़्यादा पॉइंट एंटर करते हैं, देखता हूँ उसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है, पी ओ पी पॉइंट ओके। तो हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स के लिए, मल्टीपल पॉइंट्स के लिए कोई कमांड नहीं, ओनली एक पॉइंट के लिए है। तो ये था जी हमारे पास पॉइंट और पॉइंट का ऑप्शन। पॉइंट में डिवाइड क्यों यूज़ होता है, क्या फंक्शन होता है इसका और मेजर का क्या फंक्शन होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ तक पॉइंट की समझ आ गई होगी कि पॉइंट होता क्या है। अब पॉइंट को डिवाइड करना और मेजर करने का फंक्शन ही होता है कि आप एक एल एंटर में लाइन लेता हूँ, एक F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए और 10 फुट की एक में लाइन दे देता हूँ। ओके, डी आई एंटर करके मैं देखता हूँ ये 10 फुट की लाइन है क्या नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और लास्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये 10 फुट की लाइन है जी। ओके, अब इस 10 फुट की लाइन पे मैं पॉइंट को डिवाइड करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ और डिवाइड का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, और आप जाओ अगर ड्रॉ टूल बार में जाओ, मेन्यू बार में जाओ, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट में डिवाइड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। डिवाइड डिवाइड पे क्लिक करता हूँ, कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, कहते हैं एंटर द नंबर ऑफ सिगमेंट, आपने कितने नंबर ऑफ सिगमेंट देने, तो मैं सिगमेंट देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 सिगमेंट देना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 पे ये डिवाइड हो गया है। स्टूडेंट्स 0.5 नहीं आए, लेकिन इसको इसने 5 पे डिवाइड कर दिया है। अब इसका फंक्शन क्या है, फायदा क्या है, कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपने चीज आपने बनाई हुई है, रेक्टेंगल में लेता हूं,
एल इंटर, सी इंटर, जूम कर दूं थोड़ा ताकि मेरे पास सर्कल सही ड्रॉ। ओके तो बस ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, जिसको मैं अब डिवाइड करना चाह रहा था, तो मैं चार हिस्सों पे इसको डिवाइड करना चाह रहा था, तो मैं इसको अब डिवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए अब मैं यहाँ पे सी पी एंटर इसको कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसको इन पॉइंट के ऊपर अब लगा दूँ, तो ये देखें डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं तो ये डिवाइड हो गया। तो ये होता है फंक्शन डिवाइड का। अब ये डिवाइड हुआ है तो इसी को आप और भी तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। और कौन से तरीके हैं जी? डिवाइड के लिए मैं आर ई सी रेक्टेंगल लेता हूँ, एट द रेट 10 फुट कामा छ फुट, इंटर करता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ, मेरे पास एक के रेक्टेंगल आ गया। अब इसमें भी डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो डिवाइड की जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है डी आई वी, डिवाइड की शायद शॉर्ट कमांड है डी आई वी। इंटर करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट 15, इंटर करता हूँ तो 15 यहाँ पे देखें डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आपको 15 पे डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट और उसके आगे ब्लॉक का भी ऑप्शन देता है। तो ब्लॉक क्या होता है, तो हमने कल ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि ब्लॉक होता है क्या और बनाते किस तरह ब्लॉक को, इंसर्ट किस तरह करते हैं। तो अब यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक भी आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड के लिए आप दोबारा डी आई वी एंटर करें, सिलेक्ट पॉइंट, कह रहा है इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक, तो ब्लॉक के लिए बी एंटर करता हूँ मैं, जो मैंने कल ब्लॉग बनाया था। एंटर नेम ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग का नाम मैंने ए बी सी दिया था, एंटर, कैन एट फाइंड ब्लॉग के बी सी, एंटर नेम ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग का नाम, ब्लॉग का नाम याद नहीं है मुझे, तो मैं दोबारा यहाँ पे क्या करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ब्लॉग मेरे पास है भी कि नहीं। नहीं है ब्लॉक मेरे पास, चलिए मैं दोबारा बना लेता हूँ ब्लॉक, ताकि आपको आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ब्लॉक के। आर ई सी एंटर करता हूँ, एल इंटर, सिंपल सा एक ब्लॉक बना रहा हूँ बस। पॉलीगॉन पे लेता हूँ मैं ब्लॉक, एक बनाता हूँ पॉलीगॉन से, पी ओ एल इंटर, 5 नंबर सेगमेंट, पॉलीलाइन, टी आर डबल इंटर, या ट्रिम कमांड आप नेक्स्ट लेसन में सीखोगे, ट्रिम कमांड क्या होती है। इसको मैं ब्लॉक बनाता हूँ, तो बी एंटर, बी एंटर ब्लॉक के लिए नेम ब्लॉक का देता हूँ ए बी सी,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट, ओके, ब्लॉक आ गया। इसी ब्लॉक को अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पे डिवाइड करता हूँ, तो डी आई वी एंटर करता हूँ, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक, ब्लॉक के लिए बी एंटर, एंटर नेम ऑफ ब्लॉक ए बी सी एंटर, और अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट तो यस एंटर, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स ब्लॉक के कितने नंबर ऑफ सेगमेंट देने हैं आपने, तो मैं नंबर ऑफ सेगमेंट देना चाह रहा हूँ ब्लॉक के जी 12, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक इंसर्ट हो गया और नंबर ऑफ सेगमेंट 12 दे दिए। तो ये था जी मैयर का ऑप्शन। दोबारा से आपको बताता हूँ ब्लॉक किस तरह इंसर्ट करेंगे। डिवाइड का तो आपको पता चल गया कि डिवाइड क्या होता है, और मैयर के लिए आप एम आई एंटर। चलिए डिवाइड फिर दोबारा से मैं करता हूँ, डी आई वी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट देने तो आप सेगमेंट दे दें आप 12 5 सेगमेंट देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, एंटर करता हूँ तो देखिए 5 हिस्सों पर ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको आप इस 5 हिस्सों में लगा दें, अदरवाइज अगर आप सेगमेंट नहीं देना चाहते तो आप डिवाइड, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक बी एंटर, ब्लॉक का नेम ए बी सी एंटर, अलाइन करना चाह रहे हैं इसके साथ, नहीं करना चाह रहे तो नो प्रेस करें, एन एंटर, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स 6, एंटर करता हूँ मैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे तो इसने ब्लॉक को यहाँ पे इसको ब्लॉक डिवाइड कर दी इसने। अब है मैयर, नेक्स्ट है मैयर, तो मैयर के लिए जो शॉर्ट कमांड है एम आई, मैयर की शॉर्ट कमांड नहीं दे रहे यहाँ पे, एम ई शॉर्ट कमांड है इसकी मैयर की, एम ई एंटर करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, कितनी लेंथ पे आप मैयर डिवाइड कर इसको मैयर करना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे जी 2 फुट के फासले पे हमारे पास क्या हो जाइए, लग जाए 2 फुट, एंटर। तो देख सकते हैं हर 2 फुट के फासले पे हमारे पास यहाँ पे लग गए। आप देखना चाह रहे हैं कि एक्यूरेट ये 2 फुट के फासले पे लगा है कि नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको डायमेंशन दे दें, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका इसने सही काम किया भी है कि नहीं। तो इसके यहाँ से यहाँ तक के फासले तक करें और डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई इंजीनियरिंग 0.0 इंच, ओके। देख सकते हैं 2 फुट के फासले पे इसने डिवाइड कर दी इसको। यहाँ पे कंप्लीट बता रहे डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, और 2 फीट, तो ये देख सकते हैं हर 2 फुट के फासले पे इसने ये लगा दिए। इसी तरह आप इसमें भी ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ये तो हमने मैयर करके हमने सिर्फ किया, तो उसके अलावा आप ब्लॉक भी लगा सकते हैं। एम ई एंटर, सेलेक्ट, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ मैयर आर ब्लॉक के लिए बी एंटर, एंटर नेम ऑफ ब्लॉक ए बी सी एंटर, यस, कितने फुट के फासले पे लग जाए, 4 फुट के फासले पे लग जाए, एंटर। हर 4 फुट के फासले पे हमारे पास क्या हो गया जी, ब्लॉक लग गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जी मैयर की, पॉइंट्स की, और पॉइंट्स को आप मैयर किस तरह कर सकते हैं, डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो उसमें डिवाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैयर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल 2D आप 3D में काम करें, 3D में आपने स्टेयर्स बनानी है, स्टेयर्स के साथ आपने फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स बनानी है या फिर कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके लिए जो हुक्स वगैरह यूज़ होती हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर शेड बनाना है छत का, तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी जगह पे आप मैयर और डिवाइड यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने कोई
किसी भी किस्म कोई अगर स्विच वगैरह लगाने या फिर कोई पॉइंट्स वगैरह छोड़ने तो उसके लिए आप डिवाइडर मेजर यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।